पर चर्चा का विषय रहने वाली भोपाल की मेयर मालती रॉय पर कांग्रेस पार्षद दल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि मेयर इन काउंसिल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 524 संकल्प पारित किए हैं। हमारी परिषद की बैठक होने वाली है और परिषद का जो एजेंडा आया है उसके अंदर केवल दो नामकरण के एजेंडा आए हैं, जिसके अंदर 5 से 7 लाख रुपए खर्च होना है। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को कोई भी इस एजेंडा में शामिल नहीं किया गया। दूसरा, हमारा उद्देश्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह है कि हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी निकाली कि महापौर परिषद ने 524 संकल्प पारित कर दिए जो कि परिषद के अंदर नहीं आए। उनको पावर है 10 करोड़ तक की राशि का संकल्प पारित करने का, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। नियम 3 है, उसमें महत्वपूर्ण एक तो वार्ड के पार्षद को पता होना चाहिए, विधानसभा के विधायक को पता होना चाहिए कि उसके विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर है कि बजट होना चाहिए, क्या बजट के और बजट के अंदर उसका मत होना चाहिए। तो हमारा बजट 21 तारीख को आया और ये जितने भी संकल्प हैं 21 तारीख के पहले ही पास कर दिए गए। तो हम पूछना चाहते हैं मेयर इन काउंसिल से कि आपने किस अधिकार क्षेत्र के तहत और किस नियम के तहत आपने बजट नहीं आया और उसके पहले ही सारे संकल्प पारित कर दिए। और ये जो संकल्प पारित किए गए हैं ये करोड़ों रुपए के संकल्प हैं, जिसकी जानकारी भोपाल शहर की ना तो जनता को मालूम है और ना ही हम पार्षदों को इस बात की जानकारी है कि ये कार्य कौन से किए जाएंगे। जब हमको जानकारी जैसे ही मिली तो हमने चाहा कि ये सारी जानकारी बिल्कुल ओपन होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर है ना, जब परिषद के अंदर अनुमोदन लेना कंपलसरी है तो फिर इन्होंने क्यों नहीं लिया। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं और मैंने आपको इस प्रेस नोट के माध्यम से एक एक चीज की कॉपी, उसके सामने उसका अमाउंट और किस दिनांक को वो संकल्प पारित मेयर इन काउंसिल ने किया है पूरी डिटेल्स दी है, और मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगी, तो जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है। दूसरी चीज, सारा नियम इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये संकल्प पारित करेंगे और उसकी क्या नियम प्रक्रिया है। तो मेयर इन काउंसिल का पहले भी तो एक केस चल रहा है एमपी नगर में जो भ्रष्टाचार हुआ था, तो ये तो उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार है कि आपका बजट नहीं आया, ना बजट में कोई मत, और आपने कैसे पास कर दिया और हम लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी किसी को भी। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप लीज का नवीनीकरण कर रहे हैं, आप लीज आवंटित कर रहे हैं, आप लीज दे रहे हैं, आप दुकानों को बेच रहे हैं, दुकानों को ना किराए पर दे रहे हैं, उनके टेंडर हो रहे हैं, तो वो टेंडर किसको किए जा रहे हैं? गरीब लोगों के घर हैं उसके टेंडर हो गए और गरीबों को घर ही नहीं मिला। तो ये सारी चीजें क्या हमको जानने का अधिकार नहीं है? हम लोग भी है ना जनप्रतिनिधि हैं और हमारा विशेष अधिकार है, ये हमारे विशेष अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल लोकायुक्त जाएंगे। इसमें कोई डर की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने गलत किया है, आप इसको समझिए। कांग्रेस दल का साफ कहना है कि नियम विपरीत सभी संकल्प पारित कर जनप्रतिनिधियों के विशेष अधिकारों का हनन किया है, यह एक आपराधिक कृत्य है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्षद दल जल्द ही लोकायुक्त की शरण में जाएगा। मृदुभाषी प्रदेश के लिए भोपाल से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।